हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में अपकमिंग पंजाबी फिल्म जो कि आज रिलीज होनी थी। बात कर रहे हैं दे दे गेड़ा को लेकर, जो कि एक अपकमिंग पंजाबी फिल्म है। जी हाँ, ये आज रिलीज होनी थी। और बात करें फिल्म के इंपॉर्टेंट रोल्स को लेकर, तो लीडिंग में नजर आने वाले थे पंजाबी एक्टर एमी विराक। जी हाँ, इनके अपोजिट फीमेल लीड में नजर आनी थी वामिका गाबी। फिल्म की रिलीजिंग डेट थी 18 फरवरी यानी कि आज की, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है। ये एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो कि गाइस पोस्टपोन कर दी गई है, लेकिन कब तक के लिए कुछ कहा नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं सकते। अब ऐसे में बात करें इस फिल्म की रिव्यू को लेकर कि पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस फिल्म के पोस्टपोन होने पर। एक्चुअल में गाइस ये फिल्म पोस्टपोन हुई है जस्ट बिकॉज कोरोना पेंडेमिक के चलते, और दूसरा कारण है ये है कि अब से कुछ लगभग 10 दिन बाद ये गए या नेक्स्ट वीक आ रही है एमी विराक की दूसरी फिल्म आजा मैक्सिको चलिए। ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है काफ़ी वक्त पहले, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ट्रेलर जा सकते देख सकते हो। अब बात करें वहीं दे दे गेड़ा को लेकर, फिल्म के लिए फैंस काफ़ी हद तक एक्साइटेड थे कि फिल्म आ रही है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि ये फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है। भाई साहब, ये फिल्म पोस्टपोन हो गई है और ये रिलीज़ अभी नहीं हुई है। जल्द ही मेकर्स इस फिल्म से जुड़ी न्यू अनाउंसमेंट कर देंगे कि इसकी रिलीजिंग डेट कब के लिए शेड्यूल की जाए। ऐसे में फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस फिल्म को लेकर कि फिल्म देखनी है, क्योंकि आपको पता है एमी विराक की फिल्में बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जाती हैं। अगर आपने पुआदा देखी हो तो आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे, और किस्मत 2 देखी हो तो आप शायद रो भी सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। सही बताऊँ ना, फिल्में काफ़ी अच्छी होती हैं पंजाबी, खासतौर पर पंजाबी या साउथ। एक अलग लेवल का कंपटीशन होता है, और आपको बता दूँ जो पंजाबी मूवीज़ होती हैं, साउथ मूवीज़ होती हैं, इनमें मुश्किल से आपको 10% रीमेक्स मिलेंगी। अदरवाइज़ बॉलीवुड देखा जाए तो 40% प्लस रीमेक्स, उसके बाद बायोपिक, ये मान के चलो अपना खुद का कंटेंट 10-15% मिलेगा आपको बॉलीवुड में। अदरवाइज़ यार हैट्स ऑफ है पंजाब इंडस्ट्री को मेरी तरफ से। काफ़ी छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी कंटेंट एक नंबर का आता है निकल के, वेल डन। इसी वजह से जो अधिकतर कंटेस्टेंट है, बोले तो ऑडियंस है, पंजाब के अलावा पंजाबी मूवीज़ को लोग बाहर भी पसंद करते हैं। इवन इंडिया से ज़्यादा पंजाबी मूवीज़ का जो कलेक्शन आता है वो आउटसाइड से आता है, यानी कि ओवरसीज़ मार्केट से। जी हाँ, वेल आपकी इस चीज़ को लेकर क्या है राय कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना,